लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग की गेस्ट फैकल्टी और क्रिकेट कोच सुनील कुमार के खिलाफ छात्रा द्वारा लगाए गए छेड़छाड़ के मामले में फुल वोल्टेज ड्रामा हुआ है। विश्वविद्यालय परिसर में एबीवीपी और एनएसयूआई कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, दोनों के बीच झूमाझटकी भी हुई। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि एनएसयूआई से जुड़ा एक व्यक्ति पिस्टल लेकर विश्वविद्यालय पहुंचा, हंगामा बढ़ा तो विश्वविद्यालय को पुलिस का सहारा लेकर उन्हें दूर कराना पड़ा। कुलपति प्रोफेसर आरजे राव और प्रभारी रजिस्ट्रार शैलेंद्र जैन ने एडिसन एसपी संजय साहू और जिला प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में दोनों संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा की गई। यह चर्चा एक घंटा तक चली, इसमें जमकर बहस हुई। इस दौरान विश्वविद्यालय की यौन उत्पीड़न कमेटी के सभी सदस्य और शारीरिक शिक्षा विभाग की छात्राएं भी मौजूद रहीं। जांच प्रक्रिया पर सवाल खड़े हुए तो कमेटी की सदस्य डॉक्टर मोना पुरोहित नाराज होकर मीटिंग हॉल से बाहर जाने लगी, लेकिन उन्हें कुलपति ने ऐसा करने से रोक दिया। एनएसयूआई के प्रदेश प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने यौन उत्पीड़न कमेटी की जांच पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कमेटी ने छात्रा के परिजन को खबर क्यों नहीं दी। कमेटी ने बताया कि जानकारी दी गई है लेकिन वे नहीं आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। दो तीन दिन पहले एक बच्ची ने शिकायत किया था कि उनके खिलाफ किसी गेस्ट फैकल्टी या फिजिकल एजुकेशन ने कुछ ऐसी मैसेजेस भेजा है। उसके लिए फिर हमने तुरंत ही बच्ची से, मैंने खुद गया हॉस्टल, बच्ची से बात किया और बच्ची ने कहा था कि हाँ मेरे साथ कुछ एक गेस्ट फैकल्टी है इस टाइप का कुछ मैसेज भेजा है। तो मैंने बच्ची से रिपोर्ट लिया था, बच्ची अपनी वार्डन के माध्यम से रिपोर्ट मेरे पास भेजा। तो फिर हम लोगों का यूनिवर्सिटी में अलग अलग टाइप ऑफ कमिटीज़ होती हैं, कोई रैगिंग करता है, कोई आपको ऐसे परेशान करता है, उसका अलग अलग कमिटी है। और ऐसी बच्चियों के लेडीज़ के साथ अगर ऐसे होता है उसको बोलते हैं हम लोग सेक्सुअल हेरासमेंट कमिटी। ये कमिटी होती है सीनियर मोस्ट प्रोसेस, उसमें लेडीज़ रहते हैं क्योंकि थोड़ा सा लड़कियों से बात करने को होता है। तो उनको मैंने बुलाया, फिर उनने अपने उनसे बात किया है, उन्होंने अपना जो भी रिपोर्ट दिया है, क्योंकि कोई भी चीज़ें पूरा दोनों साइड बात करने के बाद ही फाइनल डिसीजन होती है। तो फिर हम उन्होंने अभी कमेटी एक काम कर रही है पिछले तीन दिन से, लगातार जो जो लोग आते हैं उनको अपना मैसेजेस अपना रिपोर्ट्स वो देना है, वो सब चीज़ें कर रहे हैं। तो फाइनल रिपोर्ट जल्दी से जल्दी हम लोग कमेटी से पूछेंगे, कमेटी रिपोर्ट देने के बाद एक्शन। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।